जालौर में, जालौर सिरोही लोकसभा सीट से भाजपा जो है वो सिरोही के व्यक्ति को टिकट नहीं देती, कांग्रेस एक बार दे चुकी। क्या सोचते हैं इस पे आप, और आपकी डिमांड क्या है और क्यों है? हमारी डिमांड है कि भी अब के जैसे पार्टी का हमारा निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको टिकट मांगने का अधिकार है, और मैं भी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा और टिकट मांगूंगा जी। जैसे हमारी भी मांग है कि बार बार उधर से जैसे जालौर से मिल रहा है तो अब सिरोही से मिले, और तो वो सभी की मांग है और हम भी मांग रख रहे हैं। उसके बाद में हमारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई वर्षों से काम कर रहा हूँ, पहले मैं मंडलाध्यक्ष रहा जी, किसान मोर्चा का जिला महामंत्री रहा जी, जिले का महामंत्री रहा, जिला अध्यक्ष रहा, और मैंने मेरी शुरुआत किसान मोर्चा तहसील अध्यक्ष से मैंने की थी जी। तो आज तक पार्टी ने जब जब निर्देश दिया, जो जो पद दिया, उसमें दायित्व निभाने की पूरी कोशिश की मैंने। उसके अलावा भी जहाँ जहाँ भी पार्टी ने मुझे भेजा, भले महाराष्ट्र हो, भले गुजरात हो, और यहाँ तक कि चेन्नई तक पार्टी ने निर्देश दिया, तो सुनामो में मुझे प्रभारी के रूप में मुझे बॉम्बे के अंदर गोरेगांव के अंदर प्रभारी लगाया था, वहाँ मैंने 3 महीने काम किया। गुजरात में मुझे पालनपुर का प्रभारी बनाया था, वहाँ भी मैंने काम किया, और जहाँ जहाँ भी पार्टी, यहाँ पे अपने भाई खूब चुनाव हुए थे कोठा में, उस समय मैं प्रभारी था, तो पार्टी के निर्देश जहाँ जहाँ निर्देश दिए वहाँ निर्देश जाकर हमने काम किया है। इसलिए हमारी मांग है कि हम भी मांग कर रहे हैं कि हमके भारतीय जनता पार्टी से अगर लोकसभा का टिकट दिए तो मैं उम्मीदवार के रूप में